मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गो मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो यशोदा दुलारो नंदलाल मेरो है, वो यशोदा दुलारो नंदलाल मेरो है, वो यशोदा दुलारो नंदलाल मेरो है, वो यशोदा दुलारो नंदलाल मेरो है। वो गोपियन को प्यारो गोपाल मेरो है, वो गोपियन को प्यारो नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। बड़े भाव से ताली की सेवा करिए, जय हो, और भगवान से संबंध बनाइए। अगर रोड पे कोई पुलिस वाला रोक ले, हेलमेट ना हो तो क्या बोलते हो? बोलिए। मोबाइल निकालते हैं लोग और कहते हैं बात कर लो, किससे? बोले मेरे वो हैं। हैं जी, ऐसा बोलते हैं ना लोग। कभी हेलमेट कभी सीट बेल्ट के चक्कर में अगर रोड पे पकड़ा जाए व्यक्ति, तो मोबाइल निकालता और बताता है हमारे संबंध। तो आगे कभी कहीं दिक्कत आई चेकिंग में तो फिर क्या कहोगे? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे। आइए बड़े ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा को सुने, वार्तालाप ना करें। पहले से ही व्यवस्थित होकर विराजमान रहें। कल हमने भगवान के पावन विवाह महोत्सव की कथा को श्रवण किया। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित, भगवान का प्रथम विवाह
लक्ष्मी स्वरूपा माँ भगवती रुक्मणी जी के साथ हुआ, जिससे रुक्मणी जी के गर्भ से भगवान का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। प्रद्युम्न जी को शंबासुर नाम का राक्षस उठाकर चुराकर समुद्र में फेंक देता है, कोई मछली उनको निगल जाती है और कोई मछली पकड़ने वाला उस मछली को पकड़ लेता है। सेवा के रूप में उसी राज दरबार में शंबासुर के में वह मछली पहुंच जाती है। रसोईया जब उस मछली को काटता है, उसमें से सुंदर प्रद्युम्न जी महाराज निकलते हैं। राजा के आदेश अनुसार एक दासी को वो पुत्र दे दिया जाता है कि तुम इसका लालन पालन करो। धीरे धीरे शंबासुर के राज्य में उस दासी के द्वारा प्रद्युम्न जी महाराज बड़े होते हैं। दासी लालन पालन करती है, जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे भाव बदलता गया और वह दासी कोई और नहीं महारानी रति, और प्रद्युम्न जी महाराज जो हैं वो साक्षात कामदेव के ही अवतार हैं। एक बार भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया। भगवान भोलेनाथ तपस्या में विराजमान थे, कामदेव ने अपने प्रहार उनके ऊपर चलाए, बाण चलाए, भगवान शिव जी का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव महाराज जलकर भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति रानी ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करी कि प्रभु आपने मेरे पति को जलाकर भस्म कर दिया, ऐसी कृपा करो प्रभु। महारानी रति ने खूब भगवान शिव की स्तुति गाई, प्रार्थना की, भगवान शिव प्रसन्न हुए और महारानी रति को यह आशीर्वाद दिया। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होये हरनि महामहि भारा, कृष्ण तने होये पति तोरा, वचन अन्यथा जाए न मोरा। हे देवी, द्वापर में जब श्री कृष्ण इस भूमि पर निशाचरों का हरण करने इस पृथ्वी को राक्षसों से हीन करने आएंगे, उस समय भगवान के जो प्रथम रूप के संतान उत्पन्न होगी वह आपका पति ही होगा। भगवान भोलेनाथ बड़े आशुतोष हैं, है जी, शिव जी जैसा दयालु कोई देवता नहीं। बोलो राधे राधे। एक लोटा कोई जल चढ़ा दे तो भी प्रसन्न, एक पत्ता बिल पत्री का चढ़ा दो तो भी प्रसन्न, दो चार चिरौनी के दाना ही भाव से चढ़ा दो तो भी प्रसन्न, और तो और कभी कभी तो खुद चढ़ जाओ ऊपर तो भी प्रसन्न। बोलो राधे राधे। हाँ, एक बार एक चोर भगवान शिव के मंदिर में पूजन करने गया। श्रावण का महीना चल रहा था तो लोगों की भीड़ को देखा कि शिव जी पर बड़ी भीड़ हो रही है। पूछा क्या हो रहा है, बोले ये बड़ा पावन महीना है शिव जी के लिए, श्रावण मास का। अच्छा, उसका भी भाव हुआ कि अनेक दिन हो गए ये कर्म को करते हुए, वो भी जल लेकर मंदिर में पहुंचा। तो शिव जी के मंदिर में जो ऊपर घंटा लगा था ना, वो सोने का था। हाँ, तो सब देखा कि सब लोग घंटी को बजा रहे हैं, तो उसने भी घंटी को बजाया, और घंटी को बजाने के लिए आंखों को उठाया तो घंटी सोने की, तो भाव बदल गया। हैं जी, चोर चोरी छोड़ देता है पर हेरा फेरी। उसने कहा कि देखो मैं कहाँ छोड़ा, थोड़ा थोड़ा सोना चुराने के लिए इधर उधर भटकता हूँ, इतनी रिस्क उठाता हूँ जरा जरा से सोने के लिए, अगर ये घंटा मिल जाए तो कभी दोबारा चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़े। भाव बदल गए,
जल चढ़ाया तो सोचा इस घंटे को उतार लूं, तो अब भगवान शिव के मंदिर में कहां स्टूल टेबल कुछ नहीं था, तो जिन शिव जी को जल चढ़ाया उन्हीं शिव जी के ऊपर खड़ा हो गया और घंटे को उतार लिया। उतार कर हाथ में रखकर खड़ा ही था, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और भगवान भोलेनाथ बोले वरदान मांगो। अब वो घबराया, घंटा भी हाथ में रखा है, रंगे हाथ पकड़ा गया, घबराया। भगवान भोलेनाथ बोले भैया जल्दी